ऐसी यही समय और रोजगार पाते थे। अगर ऐसी किसी ने नेक काम नहीं सिखाया, इसका उल्टा समझ लिया, बल्कि बुराई की तरफ लगा दिया। फर्ज कर लो किसी ने किसी को जुआ खेलना सिखा दिया, या उसने शराब किसी को पीना सिखा दी, या गांजा फीम चरस किसी को पीना सिखा दी। अगर वो किसी को सिखाता नहीं, तो जब तक वो करता तभी तक गुनाह था, वो ख़त्म हो गया, उसके नामाल गुनाह भी ख़त्म, तो करेंगे। लेकिन अगर उसने किसी को बुराई के रास्ते पर लगा दिया है, किसी को चोरी करना सिखा दी है, किसी को बेईमानी करना सिखा दी है, किसी को जुआ खेलना सिखा दिया है, किसी को गलत काम में मदद कर दी है, नाजायज काम कर मदद कर दी है, तो जब भी वो गलत करेगा उस काम, जब भी वो जुआ खेलेगा, जब भी शराब पिएगा, वो जितना गुना उसे होगा उतना गुना इसकी भी नाम है। आप सोच सकते हैं कभी आपको, हम आपको लगता है करे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा अपनी थोड़ी तुम्बी बीड़ी पी लो, तुम्बी सिगरेट पी लो, और तुम्बी थोड़ा सा एक चने पी लो, और एक पैक तुम्बी पी लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है भाई, वो आपने उसको पहली बार पिलाया है, अब कयामत तक जिंदगी में वो जितना पिएगा। आप भले नमाज में सर रखे हैं, आप सजदा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोज़ा रख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके नामाल में शराब का गुनाह लिखा गया। आप जिना की मक्का रही मदद कर दी आपने किसी की, तो जिना गुनाह आपके नामाल में लिखा गया।